आरण्य अतिथि महोदय आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापक और अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। तो उसे तीन लाइन कहूँगी, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज ने गोली मारी थी। हम और तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें और हमारे भारत देश को ब्रिटिशों से यही आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनाओं ने बलिदान दिया है, जैसा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदरीन बोस आदि। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता सेनानियों ने कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। नमन है उन वीरों का जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों से अपने बलिदान का रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास के सरल अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश के आज़ाद होने पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर झंडा फहराया था और सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों से श्रद्धांजलि दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं। 15 अगस्त भारत देश का गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, वी आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार है। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, भूल न जाना भारत के सपूतों का बलिदान, इस देश के लिए जो हुए हैं हंसकर कुर्बान, आज़ादी की खुशियाँ मलकर लो शपथ है कि बनाएंगे भारत देश को और भी महान। जय हिंद, जय भारत।